वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि आप लोग हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा पाए। शुक्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आप लोग कैसे हो? तो मैं आ गया एक और नए वीडियो को लेकर, एक और नए मूवी की अपडेट लेकर आपके लिए, जिस मूवी के इंतजार काफी सारे लोग कर रहे थे और काफी दिनों से इसकी चर्चाएं चल रही थी। मूवीज के बारे में और फिल्म के बारे में बता दूं, द बच्चन पांडे मूवी इतनी खास कमाई नहीं कर पाई थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। मात्र 40 करोड़ फिल्म ने कमाई की थी, मगर इस मूवी को इतना ज्यादा मतलब कि प्यार दिया गया था, इसके ट्रेलर को प्यार दिया गया था। मगर जब फिल्म इसकी आई, और इसका एक और रीजन था, उस समय पे द कश्मीर फाइल्स की जो वेब चल रही थी ना, उसमें कोई भी फिल्म पिट जाती। तो हम लोग बात करने वाले हैं इसी मूवी की, जो टूटी राइट्स किसने एक्वायर किया और आपको कब ये मूवी देखने को मिल जाएगी आपके ओटीटी स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर, उसके बारे में टोटल बात करने वाले हैं। तो आप एंड तक वीडियो पे बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं स्टारर में द बच्चन पांडे के, जिसमें छह सर थी, जैकलिन फर्नांडिस, कृति सैनन, अरशद वारसी, पंकज त्रिपाठी, मतलब इतने सारे एक्टर्स को लिया गया था। और इस मूवी में अच्छा सर की जो कैरेक्टराइजेशन इतनी अच्छी तरीके से की गई थी, इतनी खौफनाक उनकी जो लुक दी गई थी, जैसे उनकी डेडली आई को मतलब कि क्रिएट किया गया था एक फेस पे, उन लोगों को बेहतरीन मतलब कि नेक्स्ट लेवल की फिल्म लग रही थी। वो बात अलग है, जब हीरोपंती 2 के ट्रेलर आए थे, उस ट्रेलर को देखने के बाद हो सके वो आंखें फूट गई होगी अक्षय कुमार सर की, वो अलग बात है। मगर दोस्तों आप लोगों को बता दो, ये जो मूवी आप लोगों को Amazon प्राइम पे देखने को मिल जाएगी, और आपको ये मूवी 15 अप्रैल इसी महीने के, आप लोगों को पता होगा इस मूवी को 1 मंथ का विंडो दिया गया था ओटीटी स्ट्रीम के लिए थिएटर के रिलीज के बाद में। तो अब इस मूवी को आप लोगों को 15 अप्रैल को देखने को मिल जाएगी। एक महीने से भी कम इसको गैप मिल चुका है, क्योंकि फिल्म उतनी खास बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन नहीं कर पाई थी। तो कहीं ना कहीं लोगों और फिल्म मेकर्स का ये मानना है कि फिल्म हम उसे जल्दी प्रेजेंट कर देते हैं, जैसे राधेश्याम के साथ में हुआ है। राधेश्याम को डायरेक्ट मतलब फिल्म को रिलीज कर दिया जा रहा है टेलीविजन पर, इसी प्रकार इस मूवी को भी अब जल्दी ही स्ट्रीम कर लेंगे आप Amazon प्राइम में। तो आप लोगों की ये न्यूज़ कैसे लगी दोस्तों, मेरे चैनल पर जरूर बने रहिएगा, और आपको ये अपडेट कैसे लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर दोस्तों बाय बाय, धन्यवाद।